हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुबह सत्या के इस चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त सत्यजीत। तो लेके आया हूँ फिर से एक टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी बहुत दिनों से टेक न्यूज़ वीडियो वगैरह नहीं डाली, इसके लिए सॉरी। और अब जो है मैं रेगुलर हो सकता है तो रहूँगा, बिकॉज़ अभी आगे जो है हमारी मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, उसके वजह से मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसे सप्ताह में एक दो तीन मैं वीडियो हो सकता है तो मैं ज़रूर डाल ही दूँगा। तो अभी बहुत सारी बिजी एग्ज़ाम वगैरह, उस पे पेपर की तैयारी वगैरह करने में समय लग जाती है। तो चलिए इस सब बातों को दूर करते हुए और फिर से एक नया टेक न्यूज़ लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आया हुआ है टेक न्यूज़, यहाँ पे अब जो है हमारे यहाँ पे बेंगलुरु में जो है उसकी फैक्ट्री तकरीबन सारी काम जो है वो हो ही चुकी है, और कुछ जो है वो बचा हुआ है। और अब जो है एप्पल का जो मोबाइल है वो अब यहाँ पे मेड इन इंडिया से मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आपको, भारत में ओप्पो जो है A57 जो है वो लॉन्च हो चुका है चाइनीज़ की तरफ से। ये मतलब कि DSLR क्वालिटी वाला जैसा ये कैमरा है, ये लॉन्च हो चुका है। इसका जो फीचर्स वगैरह क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको इसमें मिल रही है, इसके यदि डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले इसमें आपको दिया जा रहा है। और इसकी यदि मैं और कुछ बात करूँ तो इसकी कीमत ओनली महज 14,990 रुपये रखी गई है। और इसका जो कैमरा है वो DSLR की तरह है, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी यहाँ पे। और इसका कैमरा दिया गया है 13-16 का, तो वीवो V5 की जैसा ही नहीं, बट ये थोड़ा सा हल्का इसमें ये है उससे सबसे ज़्यादा, मतलब 20 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी वगैरह दी जा सकती है। ठीक है, तो पूरी अभी कॉन्फर्म नहीं आई है इसकी क्या क्या डिटेल्स रहेगी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये आ रही है खबर। और दूसरी जो आ रही है वो आपको आ रही है यहाँ रिलायंस की तरफ से। रिलायंस जियो ने जो है वो सबसे ज़्यादा अभी अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए एक प्लान निकाला था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और वो जो है अब बहुत सारी मतलब कि लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, सारी कंपनियाँ इस पर मतलब कि ट्रैफिक कर रहे थे कि नहीं ये कंपनी का फेक है, ये है, लगातार 2-3 महीने से कंटिन्यू किए जा रहे हैं कि नहीं आज आज बढ़ रहा है, कल बढ़ रहा है, परसों बढ़ रहा है। तो इससे मतलब कि सारी कंपनियों को काफ़ी लॉस होता था। और जो सारी कंपनियां हैं, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडा हो, सब एक दूसरे मतलब भीड़ के जियो पे लगे थे कि अब केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ट्राई के तरफ से जो निर्देश आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों का जो ऑफ़र चल रहा था हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र, वो तकरीबन सारा चीज़ सही है। और वो जो है 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, और वो ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वो क्या करने वाले हैं वैसी तो कुछ जानकारी नहीं आ रही है। जहाँ तक कि यहाँ पे आ रही है एक लीक न्यूज़ है जो समथिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून तक हो सकता है, लेकिन वो कितनी परसेंट सच है वो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो देखने वाली बात होगी कि वो 100% अगर हो जाए तो अच्छी बात है, जियो जून 2017 तक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है। और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अभी यहाँ, अब जो है यहाँ पे एक नई न्यूज़ आ रही है सेल्फ़ी वालों के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अब जो है बहुत सारे लोग सेल्फ़ी के लिए स्टिक का यूज़ करते थे, या फिर कुछ भी इधर उधर ये करते थे, काफ़ी रिस्क लेना पड़ता था। बहुत सारी न्यूज़ वगैरह में देखें या बहुत सारी व्हाट्सएप वीडियो वगैरह में हम काफ़ी आप लोग भी देखते होंगे सेल्फ़ी के क्रेज़ी, मतलब बहुत सारा। तो उसका अब जो है कोई टेंशन नहीं है, एक नया जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जैसा कि खबर आ रही है यहाँ पे एक ड्रोन वाईफाई टाइप का जो है कुछ लॉन्च मतलब आने वाला है। ठीक है, जो कि आपका 20 मीटर जो है हाइट जो है वो लेकर ये मतलब कि आपकी सेट में मतलब कि ये वाईफाई से कनेक्ट रहेगी, और ड्रोन जो है वो उड़ता रहेगा। और इसकी मतलब वज़न जो है ओनली 50 ग्राम, समथिंग 52 ग्राम्स के आसपास ही है। और 30 मिनट तक इसकी फुल जो है बैटरी रहेगी, और 4 GB इसका स्टोरेज रहेगा। और
इसमें कुछ समथिंग दो चार फ़ोन जो है यहाँ पे दी गई हैं, उन सब फ़ोन में ये सपोर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल में फ़ोन दिए गए हैं, सेल्फी ड्रोन जो है इसमें काम करेगा, आईफोन 7 है, 7 प्लस है, S6 है और 6S है और गूगल पिक्सल है और सैमसंग का एज है और गैलेक्सी एज भी है इसमें, तो काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी ये हाई लेवल की सेट वगैरह में ये सक्सेसफुल काम करेगा। 20 मीटर काफ़ी हाई रेंज में भी जो है आप ये पिक्सल वगैरह फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं ये ड्रोन की वाईफाई के बदौलत, ठीक है। तो और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आपको यहाँ पे, इसकी जो पिक्चर यहाँ पे दी गई है, लॉन्च हो गया है ऑनर 8 लाइट स्मार्टफोन, ठीक है। तो इसकी पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। इसकी यदि सारे फीचर्स की बात की जाए तो इसमें है 8 लाइट का, मतलब कि स्मार्टफोन ऑनर 8 लाइट का जो लॉन्च हुआ है इसमें आपको समथिंग ज़्यादा 19,600 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है और 17 फरवरी को यह मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और आप लोग हो सकता है तो ऑनलाइन वगैरह इसे शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिस्प्ले की साइज़ बताई जा रही है तो 5.2 इंच की इसकी डिस्प्ले दी जाएगी और 2.5 GHz का इसका प्रोसेसर रहेगा और 655 ऑक्टा कोर इसका जो है वो प्रोसेसर दिया जा रहा है और 3 GB रैम है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसका माइक्रो SD कार्ड 128 का आप जो है यूज़ कर सकते हो, इससे बढ़ा सकते हैं। और इसकी यदि प्रोसेसर की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, इसकी प्रोसेसर जो है वो आपका स्नैपड्रैगन 655 का रहेगा। और फोटोग्राफी की बात की जाए कैमरा का तो 8x12 का इसका कैमरा दिया गया है और इसकी जो लेंस है काफ़ी बेहतरीन है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसका 3000 mAh का बैटरी दिया गया है। तो काफ़ी मिला जुला के देखा जाए तो समथिंग ये 20,000 के रेंज में कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी इसमें नहीं दी गई है। तो चलिए देखते हैं, 5000 mAh वाला JTE का जो ब्लेड A2 है वो लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे जो है आप इसकी फीचर्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है लॉन्च हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन इसकी फ़ीचर्स वगैरह दी गई है, समथिंग 11,000 समथिंग इसकी रेट रखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपको ये अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कुछ भी राय दे सकते हैं। यदि आप कोई क्वेश्चन या आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं आपका हो सकता हो तो आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।